नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर सर, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के 250 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर सर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपके लिए बड़े ही यूजफुल और बड़े ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो डियर सर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चले। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिएगा, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? डिस्कशन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ होगा आपका राइट आंसर। चलिए सेकंड देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो संसद को किस वर्ष संबोधित किया? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो संसद को किस वर्ष संबोधित किया था? डियर सन्स राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 1893 में सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? डियर सन्स राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर के लिए। ऑप्शन ए शेर होगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना डियर सर किसने की थी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वेद व्यास ने। महाभारत की रचना डियर सर वेद व्यास ने किया की थी, तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ हमने यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन सी बाइबल। जो बाइबल है डियर सन्स वो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ माना गया है, सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश डियर सन्स किसे कहा जाता है? राइट आंसर का डियर सन्स ऑप्शन ए, जापान को। डियर सन्स जापान को उगते सूर्य का देश कहा गया है, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है डियर सन्स? तो डियर सन्स यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिनेवा। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पानीपत की दूसरी तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी डियर सन्स? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो हुई थी 1761 में, यानी ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके लिए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? जो कार्बन की संयोजक होती है डियर सन्स वो कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 होती है डियर सन्स, 4 होती है, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके लिए, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है डियर सन्स? ऑप्शन सी शुक्र को, सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 11 देखिएगा, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल की संसद को डियर सन्स किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पंचायत, बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट है आपके लिए, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो घेंगा रोग होता है डियर सन्स वो किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंगा रोग, सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है आपके लिए, एसिटिक अम्ल का व्यावसायिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का व्यावसायिक नाम डियर सन्स क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिरका होगा आपका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए 14 देखिएगा, मिकी माउस का चरित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाल्ट डिज्नी, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 15 देखिएगा, ताजमहल की अभिकल्पना किसने की थी? ताजमहल की अभिकल्पना डियर सन्स किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उस्ताद ईसा ने, सी रहेगा आपका
राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके लिए, केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने पर डिस्टेंस पानी के जमने का जो तापमान है वो कितना होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 273 केल्विन, डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, 17 क्वेश्चन देखिएगा, वूलर झील कहाँ पर स्थित है? वूलर झील डिस्टेंस कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर का ऑप्शन ए, कश्मीर में है, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 18 देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष डिस्टेंस किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, ए होगा आपका राइट आंसर। 19 देखिएगा, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे डिस्टेंस? गुरु रामदास, जो गुरु रामदास थे वो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कितने डिग्री फॉरेनहाइट तापमान का मान सेल्सियस में 0 डिग्री होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 32 डिग्री, 32 डिग्री डिस्टेंस, ए होगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है आपका 21 देखिएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो किस वर्ष हुई थी डिस्टेंस? ऑप्शन बी, 1576 में हुई थी, बी होगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है आपके लिए, बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? बेसिन की संधि डिस्टेंस किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा डिस्टेंस यहां पर आपका ऑप्शन सी, 1802 में हुई थी बेसिन की संधि, सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके लिए 23, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र हमने बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NaHCO3, बी होगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है आपका 24 देखिएगा, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी डिस्टेंस इम्फाल है, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्टेंस आपके लिए, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है जो डिस्टेंस वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर का डिस्टेंस यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, कोलकाता, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 26, थामिन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है? थामिन मृग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टेंस, थामिन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है? राइट आंसर का ऑप्शन सी, मणिपुर होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मरीचकटिका पुस्तक के लेखक कौन है? मरीचकटिका पुस्तक के जो लेखक है डिस्टेंस वो है ऑप्शन बी, शूद्रक, बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है आपके लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? राइट आंसर का डिस्टेंस यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है आपके लिए, खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जो खालसा शब्द है डिस्टेंस वो कौन से धर्म से जुड़ा है? तो राइट आंसर का यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सिख धर्म, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था? तो कब पहुंचा डिस्टेंस, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1498 में, डी होगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है आपके लिए 31 क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जहाजरानी निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था डिस्टेंस? कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1961, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं डिस्टेंस? 5 खिलाड़ी, तो बास्केटबॉल के हर पक्ष में 5 खिलाड़ी होते, 5 प्लेयर्स होते हैं, सी होगा आपका राइट आंसर। चलिएगा 33 देखिएगा, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? कौन से यंत्र से मापा जाता है रक्तदाब? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिप्टीमोमैनोमीटर, डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए, मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर का डिस्टेंस यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, 1 मई को, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, सी रहेगा आपका
राइट आंसर नेक्स्ट है आपका, मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक बैंक, बी होगा आपका राइट आंसर। 36 देखिएगा, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य में है? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य में किया जाता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, केरल में, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, चेचक किसके कारण होता है? जो चेचक रोग होता है डिस्टेंस, वो किसके कारण होता है? राइट आंसर रहेगा डिस्टेंस यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, विषाणु के कारण, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है डिस्टेंस, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? विद्यासागर सेतु डिस्टेंस कौन सी नदी पर बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुगली, ए होगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा 39 क्वेश्चन आपके लिए, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोद, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा डिस्टेंस, कार की बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी होती है जो, उसमें किस अमल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा डिस्टेंस यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अमल, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट है आपके लिए 41, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? परमाणु के केंद्र को डिस्टेंस क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कथक किस राजा का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राजा का शास्त्रीय नृत्य है, नाच है डिस्टेंस? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 43, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर में, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 44, हमारी आंख के किस लेंस की भांति कार्य करता है? जो हमारी आंख है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो किस वर्ष किया गया था डिस्टेंस? 1972 में, 1972 में मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है डिस्टेंस? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 47, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा डिस्टेंस, जो बिहू उत्सव मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है असम में, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 48 आपके लिए, प्लूटो को ग्रहों की सूची में किस वर्ष हटा दिया गया था? किस वर्ष हटाया गया था डिस्टेंस प्लूटो को ग्रहों की सूची में से? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2006 में डिस्टेंस प्लूटो को ग्रहों की सूची में से हटा दिया गया था। चलिए 49 आपके लिए, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए टोडरमल, जो टोडरमल थे वो अकबर के राजस्व मंत्री थे, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है डियर सर, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर का ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर द्वितीय, डी रहेगा आपका राइट आंसर। तो डिस्टेंस ये थे आज के आपके जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डिस्टेंस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए डिस्टेंस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक डिस्टेंस सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड take care।